नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीएम आतिशी ने केजरीवाल के लिए खाली छोड़ी कुर्सी। बीजेपी बोली है संविधान का अपमान। राजधानी दिल्ली की कमान संभालते ही आतिशी मारलीला ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आतिशी ने सीएम की कुर्सी अरविंद केजरीवाल के लिए खाली छोड़ दी है। आतिशी ने कहा कि चुनाव के बाद इस कुर्सी पर केजरीवाल ही बैठेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव में आपकी जीत होगी और फिर से केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। आतिशी मारलीना ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में पदभार संभाल लिया है। आतिशी ने दिल्ली की कमान संभालते एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अरविंद केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली रखेगी। उन्होंने सीएम की मेज पर अपने लिए अलग कुर्सी लगवाई है। वहीं भाजपा इसे मुख्यमंत्री पद का अपमान बता रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह संविधान का बड़ा अपमान है। आतिशी का कहना है कि इस कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल ही बैठेंगे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल फिर से दिल्ली के सीएम बनेंगे और फिर केजरीवाल इसी कुर्सी पर बैठेंगे। आतिशी का कहना है कि इस कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल ही बैठेंगे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल फिर से दिल्ली के सीएम बनेंगे और फिर से केजरीवाल इसी कुर्सी पर बैठेंगे, इसीलिए आतिशी ने ये कुर्सी खाली छोड़ी है। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस।